हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड, किस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। तो हाँ, हम बात करने वाले एस्ट्राजेनेका से रिलेटेड। तो जैसे कि आपको पता ही है कि एस्ट्राजेनेका कंटिन्यूसली, अगर बात करें जैन से, तो जैन में इसने अपना 50 अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। उसके बाद से ये कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है। तो इसके पीछे गिरने की वजह क्या है, कुछ इसके फंडामेंटल्स भी जानेंगे, न्यूज़ भी जानेंगे, और ये कब बढ़ सकती है और क्या कितना बढ़ सकती है वो भी हम जानेंगे। तो वीडियो की आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए ताकि हमारी एक फैमिली क्रिएट हो सके और हम एक ग्रुप बना के और व्हाट्सएप ग्रुप बना के आगे और भी अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सके। एज वेल एज बात करी जाए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे वीडियो सेक्शन में हमने काफ़ी सारी वीडियो बनाई थी। कल आपने देखा हो तो इन पे भी रिलायंस से रिलेटेड वीडियो बनाई थी, एज वेल हिंदुस्तान फूड से रिलेटेड वीडियो बनाई थी। तो इन वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और बात करें यहाँ पर अभी एक स्कीम से रिलेटेड, PLI स्कीम से रिलेटेड एक न्यूज़ आई थी, और ये इसमें मैंने कुछ पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड बातें करी है कि ये शेयर को बहुत डायरेक्टली फ़ायदा होगा और बहुत अच्छी तरीके से भागेंगे भी, और आज के दिन भी 4 से 7% तक भागते हुए नज़र आए। तो उनकी तरफ आप नज़रें बना के रखिएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दो लिंक मिलेंगे। अगर आपका ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट नहीं है, आप नए हैं और आपका एक ही अकाउंट भी है, तो आपको हमेशा याद रखना दो अकाउंट कम से कम होने चाहिए। तो यहां पर जाके आप एक फ्री में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। क्लिक करें, फ्री में अकाउंट ओपन कराएं, और यहां पर एक श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, यहां पर क्लिक करें और पुण्य काम में मदद करें। और आपको पता ही है, डोनेशन देने से, दान करने से हमेशा पैसा बढ़ता है। तो जिस शेयर से रिलेटेड बातें करने जा रहे हैं उसका नाम है एस्ट्राजेनेका। एस्ट्राजेनेका आपके सामने है, इंडिया एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो काफ़ी बेहतरीन चार्ट पैटर्न नज़र आता है, बट बेहतरीन के साथ साथ एक और चीज़ कि ये काफ़ी वॉलेटाइल शेयर भी है। अगर बात करें यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लगभग 40-40% तक की गिरावट हमने देखी है, बट उसी हिसाब से ये शेयर बढ़ता हुआ नज़र आता है। और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के मामले में वर्ल्ड का नंबर वन शेयर माना जाता है। और बात करें यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट, और बट अगर बात करें यहाँ पर इस पर्टिकुलर 2018 से 1 मार्च 2018 से ये शेयर ने गिरावट दिखाई है, बट उसके बाद भी यहाँ पर आप देखें तो अपने 52 वीक हाई एज वेल एज ऑल टाइम हाई को भी लगाया है, और अच्छा खासा ये शेयर हमें नज़र आता है। बट कंटिन्यूसली अगर बात करें काफ़ी टाइम से, यहाँ पर अगर हम देखते हैं 1 ईयर का चार्ट पैटर्न लगा के, तो इसने अपना 52 वीक हाई यहाँ पर देखिए लगभग 5,900 के आसपास गया था, और जैन के बाद से कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है। और अगर हम देखें तो कितना गिर चुका है, लगभग 28 से 29% 30% तक की गिरावट हुई है। और जिन्होंने यहाँ पर शेयर खरीदा है, तो मैं आपको बता उनके लिए भी मैं बताना चाहता हूँ कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी बेहतरीन शेयर है। उस कुछ न्यूज़ है जिसकी वजह से ये शेयर बार बार ऊपर बढ़ता है, फिर उसके बाद गिर जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर बढ़ा, फिर उसके बाद फिर गिर गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी बढ़ गया, यहाँ पर कल की डेट में बढ़ा, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत गिरावट हुई। और आज की डेट में भी देखें तो फार्मा के जहाँ पर दूसरे शेयर है अच्छे खासे यहाँ पर जंप लगाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। डिविस लैब की बात करें या फिर दूसरे शेयर की, तो वो अपने जितना उन्होंने डिप मारा था उसके बराबर लगभग अपने हाई पर पहुँचने ही वाले हैं। बट एस्ट्राजेनेका की बात करें तो एस्ट्राजेनेका बढ़ता एक कदम है बट एक कदम फिर पीछे ले लेता है, इस तरीके का ये शेयर बनता जा रहा है। अगर बात करें यहाँ पर एस्ट्राजेनेका की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैन के बाद से कंटिन्यूसली यहाँ पर गिरावट हमें होती हुई नज़र आई है, और लगभग 3 महीने होने वाले हैं बट अभी रिजल्ट आने वाले हैं। एज वेल एज बात की जाए यहाँ पर वैक्सीन के ड्राइव्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया में वैक्सीन का जो ड्राइव है काफ़ी तेज़ होता जा रहा है, और कुछ पर्टिकुलर गलत न्यूज़ भी आती जा रही है जिसकी वजह से इस शेयर को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर देख लेते हैं एक बार, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, तो देखिए एस्ट्राजेनेका UK वैक्सीन ट्रायल इन चिल्ड्रेन पॉज एज क्लॉट लिंक प्रोव। तो कुछ आई थिंक यहाँ पर कुछ क्लॉट हो गया था, जिस ब्लड क्लॉट ब्रेन में किसी के, यहाँ पर आप देख सकते हैं रेयर ब्लड क्लॉट, तो इसकी वजह से यहाँ पर इस वैक्सीन को यहाँ पर रोक दिया गया। एज वेल एज बात की जाए नीदरलैंड ने यहाँ पर टेम्परेली सस्पेंड कर दिया है एस्ट्राजेनेका को। यूएस ने भी यहाँ पर एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के प्रोडक्शन को यहाँ पर कर दिया है, बंद कर दिया टेम्परेली
यहाँ पर प्रोडक्शन को बंद करने के लिए कहा है। ओके, इंडिया टेम्परेरी हॉल्स, इंडिया ने भी एक बार बीच में दो सप्ते पहले एस्ट्राजेनेका के कुछ न्यूज़ आई थी उससे रिलेटेड यहाँ पर स्टॉप कर दिया था, बट इंडिया में वैक्सीनेशन चालू है। ओके, और इंडिया ने यहाँ पर कहा भी है एस्ट्राजेनेका से कि और भी ज़्यादा वैक्सीन बनाई जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर बात करें और आपको न्यूज़ काफ़ी जगह मिल जाएगी आप देखेंगे तो। यहाँ पर अगर हम नीचे भी जाते हैं इंडिया मतलब यूएस सीख, यहाँ पर देख सकते हैं यूरोपियन यूनियन सीख 10 मिलियन एस्ट्राजेनेका वैक्सीन फ्रॉम इंडिया, कब 5 डेज पहले की ही यहाँ पर न्यूज़ है। और इंडिया ने भी अपनी जो वैक्सीनेशन ड्राइव है ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, अगर बात करें पिछले कुछ दिनों की तो काफ़ी स्पीड में यहाँ पर वैक्सीनेशन लगाई जा रही है और 40 लाख पीपल को एक एक दिन में यहाँ पर वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। तो आप सब भी यहाँ पर जाइए, अपने बूढ़े बूढ़ों को बुजुर्गों को लेके जाइए ताकि वो भी वैक्सीन लगा ले और अपने आप को सेफ फील करे, और तभी हमारा देश भी आगे बढ़ सकेगा और इस प्रॉब्लम जो कोविड से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको हम ख़त्म कर पाएंगे। तो यही पर्टिकुलर न्यूज़ है जिसकी वजह से बार बार ये शेयर नीचे आता जाता है। ओके, अगर ये इस वैक्सीनेशन से रिलेटेड शेयर नहीं होता तो ये दूसरे शेयर की तरह भागता रहता है डेफिनेटली, बट यहाँ पर ये शेयर कोविड वैक्सीन से रिलेटेड काम कर रहा है तो बीच में काफ़ी प्रॉब्लम आई रही है। और अलग अलग तरीके के यहाँ पर अभी दूसरा स्ट्रेन मिला है इंडिया में भी, तो इस वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आती हुई मिली है, बट ऐसा कोई नहीं है, यही शेयर काफ़ी बेहतरीन है। और अब बात की जाए वैक्सीनेशन के मामले में वर्ल्ड का 1 शेयर भी माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर हम इसके कुछ बात करें आज के परफॉर्मेंस की, तो देखिए आज के दिन भी लगभग 41% के यहाँ पर डिलीवरी उठाई गई है। ओके, और 52 वीक लो की बात करें तो 7 अप्रैल 2020 को यहाँ पर 2452 का शेयर था, लगभग 5000 रुपये का शेयर 8 सितंबर के लगभग यहाँ पर आया था। उसके बाद से यहाँ पर कंटिन्यूसली गिरावट होती हुई नज़र आई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी अगर हम बात कर ले जो कि हम अलग बात करेंगे, डिविडेंड भी कंपनी हमें देती हुई नज़र आती है, और प्लेजिंग की बात करें तो प्लेजिंग किसी भी तरीके की यहाँ पर प्लेजिंग नहीं है। और बात करें ये स्मॉल कैप कंपनी है और स्मॉल कैप कंपनी में हमेशा मैं आपको बताता ही हूँ कि शेयर घटता है और बढ़ता है बहुत रैपिडली। अगर हम यहाँ पर देखें एस्ट्राजेनेका का चार्ट पैटर्न भी अगर हम मैक्सिमम देखते हैं तो आपको दिखाई दे सकता है कि यहाँ पर गिरावट भी अच्छी खासी हुई है, बट शेयर उसी तरीके से भागता हुआ नज़र भी आता है। तो इसके अलावा बात की जाए यहाँ पी रेशो आरओसी की बात करें तो 33 के आरओसी पे चल रहा है, और डेट इक्विटी रेशो की बात करें तो बिल्कुल ना के बराबर ही यहाँ पर डेट कंपनी पे नजर आता है। सेल्स की बात करें कंपनी के सेल्स देखिए कंटिन्यूसली हर क्वार्टर में बढ़ते हुए ही नजर आएंगे। ओके, प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखिए यहाँ पर कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आएगा। और जिस तरीके से ड्राइव मतलब वैक्सीनेशन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लगती जा रही है और इंडिया ने भी इनसे मांग करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रोडक्शन करें ताकि लोगों को लगे, तो यहाँ पर देखिए इस बार का जो क्वार्टर आएगा यहाँ पर जम के मतलब बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इन्होंने इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड वाइड यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंड करना शुरू कर दिया। नेट प्रॉफिट यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर अभी तक 21 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर देखा जाए तो दिसंबर में यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था। इसके बाद ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बात करते हैं 353 करोड़ रुपए का यहाँ पर 2008 को से मतलब यहाँ पर रेवेन्यू था, सेल्स थी। और बात की जाए यहाँ पर तो अभी पिछले 12 महीने में तो लगभग 800 करोड़ रुपए की सेल है। और प्रॉफिट की भी बात करें तो यहाँ पर देखिए अब 74 करोड़ का प्रॉफिट 76 करोड़ में तब्दील हो चुका है, घटते बढ़ते मैनर में, बट बीच में तो यहाँ पर नेगेटिव भी आ गया था जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद से कंटिन्यूसली अगर यहां से देखा जाए तो कंटिन्यूसली इन्होंने अपना प्रॉफिट का परसेंटेज हमेशा बढ़ाया ही है। तो और जिस तरीके से वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है तो मुझे लगता है कि इस बार के क्वार्टर के रिजल्ट और बेहतरीन आएंगे और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा। और जब यहां पर प्रॉफिट नजर आएगा तो शेयर का प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर जाता हुआ हमें नजर आएगा। रिजर्व देख सकते हैं 400 करोड़ के रिजर्व है, 12 करोड़ रुपए की बोरिंग है ना के बराबर जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर हम कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो कंपनी का 252 करोड़ रुपए का कैश है। ओके, आरओसी भी अच्छा खासा है। प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें 75% के शेयर प्रमोटर्स के पास है यहाँ पर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एफआईआईज़ की बात करें एफआईआईज़ ने देखिए अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर इस क्वार्टर में बढ़ाई है, 2.36% की हिस्सेदारी है एफआईआईज़ ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रखा है। डीआईएस की बात करें डीआईएस ने भी पार्टिसिपेट कर रखा है। और पब्लिक की बात करें जो कि आप मैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट मतलब इस शेयर ये हमारे पोर्टफोलियो में शेयर है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, जिसने 5000 के लेवल पर भी लिया है मुझे लगता है कि आने वाले एक साल में ये शेयर काफ़ी धमाल मचाने वाला है, क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव काफ़ी अच्छी तरीके से और बहुत तेज़ी से यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बाकी ये शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रखे रहिए, जिसने ऊपर लेवल पर ख़रीदा है
ऊपर डेफिनेटली ये शेयर हमें आता हुआ नजर आएगा। बाकी पेशेंस तो ऑब्वियसली बात है, मार्केट में हो तो पेशेंस भी रखना होगा। और वॉरेन बफेट साहब ने हमेशा कहा भी है कि अपने पोर्टफोलियो को 50% नहीं देख सकते तो आपको मार्केट में रहने का कोई हक नहीं है। तो अगर इसी से रिलेटेड बातें थी, एस्ट्राजेनेका क्यों गिर रहा है, तो एस्ट्राजेनेका इसी वजह से गिर रहा है जस्ट बिकॉज यहाँ पर कुछ बीच बीच में नेगेटिव न्यूज़ आ रही है एंड नथिंग एल्स। बाकी शेयर काफ़ी बेहतरीन है, वैक्सीनेशन पर इसका पूरा ध्यान है, वर्ल्ड वाइड वैक्सीनेशन यहाँ पर एस्ट्राजेनेका की लग रही है। WHO ने इवन यहाँ पर पूरा इन्हें परमिट कर दिया है कि हाँ अप्रूव कर दिया है कि जाइए लगाइए, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके का जब चार्ट पैटर्न बनता है ना, तो शेयर इसी तरीके से ऊपर बढ़ता हुआ नजर आता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले ये और हाई बीटा काउंटर भी है, जब भागता है तो देखिए गिरता है तो अच्छा खासा गिरता भी है, तो भागता है तो अच्छा खासा भागता भी है। तो यहाँ पर अब भागना शुरू करेगा तो ये मुझे नहीं लगता ये 2-4 दिन में ही क्रॉस कर देगा अगर इसने भागना शुरू किया। तो इसी से रिलेटेड वीडियो थी, बाकी बाइंग और सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट नॉलेजेबल नॉलेज पर्पज से ये वीडियो मैंने आपको बनाई है। कोई भी पोजिशन लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी डेफिनेटली कर लीजिए। बाकी हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, दूसरे लोगों को भी ये शेयर करिएगा इस पर्टिकुलर वीडियो को, जिन्हें डर लग रहा है जिनके पोर्टफोलियो में शेयर है, एज वेल एज दूसरे लोगों को, ताकि वो भी हमारे साथ मार्केट में पार्टिसिपेट करके मार्केट को आगे बढ़ा सके। और बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।